सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार। आज एक बार फिर से प्रयागराज से भाई साहब पहुंचे अपने पास में। अश्वनी भाई हैं, लगभग 2 साल से अपने पास में आ रहे हैं। अब की बार फिर 5 भैंस लेके जा रहे हैं जी, राज डेयरी फार्म से। लगभग पहले और दूसरे ब्यांत की जोटियाँ ली हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नाम क्या अपना? अश्वनी कुमार द्विवेदी। अश्वनी कुमार। और अपना भाई साहब? मंगला प्रसाद द्विवेदी। मंगला साहब द्विवेदी। मंगला प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद है। तो भाई साहब, कितनी भैंस ली अभी अपने? 5 भैंस। हाँ। तो कितने दिन हो गया आपको इधर आए हुए? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन हो गया। हाँ। कितनी भैंसें देखी लगभग घूम फिर के? अरे करीब देखा होगा 100 भैंस के करीब। 100 भैंस। हाँ। तो कैसी लगी भैंस आपको? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, जो पहले कितनी भैंस लेके जा चुके भाई साहब? मैं यहाँ से 3 भैंस लेके जा चुका। कैसी निकली भैंस वो? बहुत अच्छी निकली, तभी तो आए हैं। जो सीधी भेजी थी ऑनलाइन आपके पास में? ऑनलाइन भेजी थी, वो भी बढ़िया निकली। इस बार 18 लीटर दूध दिया। और पहले ब्यांत में जैसे वो 19 लीटर इस बार दिया, उस बार 18 लीटर दिया। उस बार 18 लीटर। हाँ। दूध। और जो बाद में ले गए 2 भैंस, उन्होंने कितना? इन्होंने 16 लीटर, एक 16 लीटर दिया है, एक 17 लीटर। एक 17 लीटर। तो खुश हो भैंसे लेके भाई साहब? खूब अच्छी तरह। और जैसे जो भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं, प्रयागराज से हो ना आप? हाँ, इलाहाबाद से। तो डरते बहुत हरियाणा में आने के लिए? हाँ डरते हैं, कुछ ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन ये नहीं देखते कि पशु कैसे मिल रहा है। अच्छा, तो रहने खाने पीने में कोई दिक्कत आई भाई साहब? नहीं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल घर जैसा हर चीज़। अच्छा, आप तो तीसरी बार आए हो? हाँ, तीसरी बार। चौथी बारी? हाँ। पहले ट्राई करके गए थे लेकिन नहीं गए थे उस टाइम पे। तो आप पहली बार आए भाई बाबा जी? तीसरी बार आए। अच्छा, कितनी एज होगी आपकी? हमारी एज है 63 साल। 63 साल। तो कैसा लगा हरियाणा? बहुत अच्छा लगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी, हरियाणा दी बेस्ट। अच्छा, दी बेस्ट। दी बेस्ट। तो जोटी कैसी लगी आपको? सबसे टॉप। कितने का लिया आपने? 1,30,000। कौन सी चोटी आपकी? ये पहले ब्यांत वाली? 4 दांत पहले की है। पहले ब्यांत हुई। 1,30,000 रुपए की चोटी लिया है जी, ये देखिए पहले ब्यांत की चोटी है। साथ में कटड़ी है क्या इसके? कटड़ा। कटड़ा है। तो भाई साहब कटड़ी वाली दे रहे थे, लेकिन कटड़ा कटड़ी किस्मत की है। लेकिन जब ये देखें जी, पहले ब्यांत की चोटी है, 2-2.5 लाख की चोटियाँ बिकती देखी, ऐसी चोटियाँ जी। 1,30,000 रुपये की ली है। और ये कितने का लिया आपने? ये वाली 1,36,000। ये लिया जी 1,36,000 रुपये की जोटी ली है, बिल्कुल रिंग सिंग की जोटी है। अर्डर क्वालिटी देखें, अभी ग्याबिन है, ब्याने वाली है। पहले ब्यांत में कितना दूध दिया मालिक ने, कितना बताया इसका? 15 लीटर बताया है पहले ब्यांत में। अब की बार कितना निकाल देगी? 17 तक निकालेगी, उम्मीद यही है। ये देखिए जी, उम्मीद अच्छी है, हर करेक्टर है जोटी के जी। ये देखें बिल्कुल रिंग सिंग की, बिल्कुल। और ये कितने का लिया भाई साहब? ये 1,32,500। 1,32,500 की। सिलेक्शन देखें जी, सभी चोटियाँ, ये 5 चोटियाँ इनकी है। खोले पर 1,32,500 रुपये की। भाई देखने वाले भाई बोलेंगे भाई ऊपर नीचे रेट कर रहे हैं, लेकिन भाइयों से खुद पूछ रहे हैं कुछ नहीं है, जो जितने की लिया है उतना बता रहा है, इतने का ही। तो देखिए जी, बिल्कुल रिंग सिंह की चोटी है, 1,32,500 रुपये की चोटी लिया है जी। उम्मीद करेंगे 14-15 लीटर पहले ब्यांत में दूध आराम से निकाले। लेकिन पहले ब्यांत की चोटियाँ जी छोटी छोटी मिलती है, जुटिया का दूध लुटिया में बोलते हैं, लेकिन खाली होने के बाद भी चोटी 5 लीटर से स्टार्टिंग होगी जी। 4 दांत मुंह से है, बिल्कुल तसल्ली करके सभी जो पशुधन लिए भाई साहब ने। और ये कितने का लिया आगे वाली? साढ़े 1,32,500 का ये चोटी लिया जी। हाइट, लंबाई, ऊंचाई ये देखें, और अभी ताज़ी ब्याई हुई चोटी है। कितना दूध निकाल देगी भाई साहब आपके हिसाब से? ये 17-18 लीटर निकालना चाहिए। अच्छा, कभी हम झूठ बोलते हो भाई साहब? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। ये देखें जी, तीसरी बार आए हैं, कोई विश्वास है तभी आए हैं जी। देखें भाई साहब, और अभी 3-4 जगह से भाई साहब पहुंचे हैं, गुजरात से हैं, झांसी से हैं, तो वो भाई साहब भी भैंस लेने के लिए आए हुए हैं। और ये एक नंबर वाले कितने का लिया? 1,29,000 ये जोटी लिए जी। 1,29,000 रुपये की जोटी, अभी चिक से लगभग खाली कर दी है। तो राज डेयरी फार्म गांव मिंगनी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा में भाई साहब पहुँचे हैं जी। ये देखिए खुल के चलती है, तब देखिए बिल्कुल जामुन जैसा कलर है जोटी का, बिल्कुल ब्लैक दे बंदे। ये देखिए और भाइयों ने मैट भी खरीद दिया जी। तो अभी राज डेयरी फार्म से ये जो 500 भैंसे लोडिंग करेंगे, गाड़ी आई हुई इनकी 14 फुट की, और गुजरात वालों की भी आ गई है। तो ये भाई साहब झांसी से आए हुए हैं, गुजरात से हैं। ये देख लो जी, लगा बच्चे लगाने गए मैं शाम। ये भाई साहब, भाई साहब आपकी कौन सी जगह है? हमारी जिला फरुखाबाद से। फरुखाबाद आए कहाँ?
फरुखाबाद से एक भैंस लिया आपने? ये फरुखाबाद से आई हुए हैं जी, झांसी से हैं। तो जितने भाई साथ में जुड़ रहे हैं जी, वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दें हर ग्रुप में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। योगेश डेयरी फार्म के नाम से छोटा सा अपना चैनल है जी, बहुत बढ़िया भाई सहयोग कर रहे हैं जी। उम्मीद कर रहे हैं भाई आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। ये बुल जाएगा अपना निर्मल तेलंगाना में, 20 भैंसें जाएगी सांगली महाराष्ट्र में, जो अंदर बंधी हुई है ये देखें, इस साइड बंधी हुई है क्या, ठीक है बिल्कुल बनाएंगे। ये भैंसें जा रही है अपनी गुजरात, तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर राज डेयरी फार्म से पूरे भारत में जो भैंसें सप्लाई करते हैं जी, अच्छा काम अच्छा नाम, तभी जो भाई आ रहे हैं जी बार बार। ये जो भैंसें तेलंगाना में जाएगी निर्मल सांगली और तेलंगाना सांगली महाराष्ट्र में, तो अभी लातूर से आने लग रहे हैं भाई साहब, पूना से, सोलापुर से, कर्नाटक बीदर से आने लग रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी तक के लिए सभी साथियों को राम राम है जी, नमस्कार। ये भाई साहब पहुँचे अपने पास में, झोटियाँ कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं जी, क्वालिटी देखें जी 500 झोटियों की कैसी है, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी तक के लिए सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।